नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। देहरादून में इन्वेस्टर समिट के पहले दिन है और जहां एक तरफ इस निवेशक सम्मेलन में निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी ने निवेशकों को प्रेरित किया है, वहीं दूसरी ओर आप बता दें कि इस निवेशक में भी निवेशक भी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पीयूष खंबाटा ने बताया कि उत्तराखंड में निवेश के कई आयाम हैं, साथ ही रसना ग्रुप इस निवेशक सम्मेलन के बाद ही निवेश उत्तराखंड में कर सकता है। वहीं उत्तराखंड के गुलाब के फूलों में निवेश करने का रसना ग्रुप की योजना है, जिससे शरबत और गुलकंद बनाकर रसना ग्रुप देश विदेश में अपने उत्पादों को पहुंचाना चाहता है। पहले समिट की बात कर लेता हूँ, फिर रसना की बात कर लूंगा। ये समिट में सेकंड टाइम आ रहा हूँ और उत्तराखंड ने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ। पहले जो उत्तराखंड का प्रोसेस प्रोग्रेस होता था वो खाली टैक्स ब्रेक के माध्यम होता था, आदमी यूनिट लगा देता था, टैक्स का फायदा है। आज जो हो रहा है वो एक रियल फायदा हो रहा है। आदमी एंटीबायोटिक पे नहीं जी सकता है, टैक्स ब्रेक एंटीबायोटिक जो यहाँ ग्राउंड लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पॉलिसीज अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है, लोग आ रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और माने रसना ग्रुप हमने एक ठान ली है कि हम भी जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है लोकल टू ग्लोबल उसको आगे ले जाए, और इसीलिए यस्टरडे हमने अनाउंस किया है यहाँ के जो रोज ऑयल है, रोज है दमास्कस उसका, रोज वाटर है उससे बनाएंगे रोज शरबत, और वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करेंगे, और इसमें काफी थेरेप्यूटिक क्वालिटीज हैं, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और खाली रोज शरबत नहीं, जैसे कि रोज वाटर आता है, रोज गुलकंद, और रोज से च्यवनप्राश भी बना रहे। ऐसे जो लोकल प्रोडक्ट है, हनी, टैमरेड, टर्मरिक, इस पे हमारा काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फार्मर होता है उसको कैसे राइट इनकम पहुंचाया जाए, फार्मर से कैसे विभोग किया जाए, तो हमारा पूरा फोकस इसी पे रहे। धामी सरकार के तेजतर्रार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू होते हुए निवेशकों का भरोसा धामी सरकार पर बढ़ा है। समिट के बाद जिस प्रकार से इन्वेस्टर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, निवेश की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है। यहां पर निवेश के बेहतर माहौल को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन पंचायतों के लिए भी सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन था, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इस समिट का उद्घाटन किया तो पूरे देश दुनिया में संदेश गया। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये निश्चित रूप से बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला बयान था। और पूरे देश के बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने यहाँ पे आए, एक संदेश सभी को यह गया कि भारत सरकार बहुत सहजता के साथ उत्तराखंड को मदद करने जा रही है। और तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संदेश था जिसने यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट कर निवेश करने के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट में आशा से कई ज्यादा निवेश इस राज्य में होगा। तो आज जो फॉरेस्ट और अलाइड सेक्टर को था, तो मैं तमाम औद्योगिक घराने आए थे जिसमें 1000 करोड़ का हमारा जो रिन्यूएबल पावर के लिए ट्री के साथ एक एमओयू हो भी चुका है, और जिसको कि आज उनके सीईओ भी थे, आपका जो श्री तत्वा श्री श्री रविशंकर जी का एक इंटरनेशनल अपना उनका एक ये औद्योगिक वो है। इसके साथ साथ हमारे पल्प ये ट्री के साथ TRI, तो जिस तरह हालात हैं उत्तराखंड के अंदर। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कॉर्पोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। आपका ब्रेक के इस पार फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में शनिवार को प्रेमनगर स्थित आईएमए में आयोजित हुई कैडेट्स पीओपी में पीओपी आयोजित होने के दौरान बिना पास के कैडेट्स परेड देखने पहुंचे, जहां एक बहुरूपिया को मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवक के अनुसार वह सीडीएस की तैयारी कर रहा है और परेड देखने का इच्छुक था। फिलहाल पकड़े गए युवक को एमआई द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन सिंह रावत का निधन बीजेपी परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की है। राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए 122 एमओयू साइन हुए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जो 122 एमओयू हुए हैं और 33 लाख करोड़ रुपए का संकल्प मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आगे विकसित किया जाए और लोग यहां पर आकर शादियां करें। ताकि सतपाल महाराज ने भी कहा कि लोग यहां पर आ रहे हैं और हमने हर स्तर से अच्छा प्रयास किया है। एडवेंचर टूरिज्म सहित कई क्षेत्रों में निवेश के लिए हमने रास्ते खोले हैं। हमने बहुत से विचार रखे हैं, अपने अपने संभावनाएं रखी हैं और मैं समझता हूं काफी उत्साहित हैं। इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपना भाषण में हमने सारे एस्पेक्ट्स को रखा है, एडवेंचर टूरिज्म को रखा है, इसमें जो है एनिमल सफारी को रखा है, होम स्टेज को रखा है, सारी बातें रखी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया भाई वेडिंग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में शादियां करो तो निश्चित रूप से इससे जो है यहाँ निवेश बढ़ेगा और लोग यहाँ पर आएंगे और उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और यहाँ बना हुआ भी है, मसूरी के अंदर है, आपके ऋषिकेश में है, आपके नरेंद्र नगर में है, आपके जो है उधम सिंह नगर में है, आपके रामनगर में है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग निवेश करेंगे और उसका फायदा मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समिट का उद्घाटन करना है। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड जा रहे हैं और यहां पर वह अपने उद्योग स्थापित करेंगे।
सत्र चल रहा है और आप किस तरीके से देखते हैं अभी तक का क्या कुछ उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इस जो हमारे समिट का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जो अपने आप में देश के इंडस्ट्रीज के लिए ये संदेश था, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इससे निश्चित रूप से पूरे इंडस्ट्रीज को उनको मनोबल भी बढ़ाया कि भारत सरकार हमारे साथ है और राज्य सरकार ने उनका अश्योर किया है कि हम इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी बना करके इंडस्ट्रीज के साथ पूरा दोस्ताना व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उनकी इंक्वायरी बढ़े और यहाँ लोकल लोगों के इकोनॉमिक भी चलते हुए और गवर्नमेंट की इकोनॉमी पर भी इसका इकोनॉमिकल। और बस आप छोटे से ब्रेक का ऑफर लौटेंगे आपके पास, ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही थी और अब तक इस समिट में आपको बता दें कि 3 लाख करोड़ के निवेश आ चुके हैं और वहीं 3 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हो चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक काफी उत्साहजनक रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार जो प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं उसका असर जमीन पर आने वाले समय में दिखेगा और सरकार उत्साहित है। जीआईएस को लेकर सरकार उत्साहित, 3 लाख करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार जारी है, जिसमें 3 लाख एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं और जीआईएस को लेकर भी सरकार उत्साहित है। काफी निवेशक जो है इस बार देखे गए हैं उत्तराखंड में लगातार। प्रयास किया था मैराथन, उसका कितना असर जमीन पे अपनी दिख रहा है? देखिए, आप ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि पिछले 3 नहीं बल्कि 6 महीने से हम लोगों की तैयारी चल रही थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज बदली गई, उनमें संशोधन किए गए, इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक रोड शोज हुए, उसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में निवेशकों का एक आकर्षण उत्तराखंड के लिए हुआ है और करीब 3.5 लाख करोड़ तक के एमओयू हमारे साइन हुए। 44,000 करोड़ की हमने ग्राउंडिंग कराई है, जो एक अपने आप में एक नई चीज़ है। उद्देश्य फिर वही है कि स्टेट की जीएसडीपी में वृद्धि हो
और यहाँ अधिकतम रोजगार का सृजन हो। आज भी जो हमारे सेक्टोरल सेशन चल रहे हैं काफी उपयोगी हैं, अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी अच्छे MOUs साइन होंगे और उत्तराखंड में उद्योग रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका ब्रेक के उस पार, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में देश आगे विकसित कर रहा है। उन्होंने आगे उन पर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के आगे भी अब उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य रोजगार के नए और बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री रेखा आर्या ने यह बयान देते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है, उनकी योजनाओं के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं के बारे में, कार्यकाल के बारे में बात करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य विकसित हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कॉर्पोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका ब्रेक के। इस बार रुक करेंगे खबरों की ओर। सतारगंज में एक युवक की मौत के बाद परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल खाना खाते वक्त युवक की जीभ कट गई थी, जिसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जीभ पर टांके लगा दिए, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। कार्रवाई न होने पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं और वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि सितारगंज कोतवाली में एक युवक के जीभ कट जाने से मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने सितारगंज पुलिस को शिकायत पत्र देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो इनने जीभ में बुलेट थोड़ी आ रहा था, तो टांके भर दिए। जब टांके भरे तो इसका मुंह सूज गया बहुत बड़ा। तो तुन्ना सर ने कहा कि तुमने ये क्या किया, कहां करवाया? तुमने भगाया कि और जाओ और जहाँ लगवाए कटवा ले इसको। तो ये आए यहाँ कटवाने लड़का, तो हड़बड़ी में इसने टांके काटते वगैरह सब उसकी नसें काट दी। जब नसें काट दी तो वो बुलेट नहीं रुका तो राममूर्ति ले गए। 4 दिन पहले उसे थोड़ी सी लग गई थी, हल्का हल्का खून रस रहा था, उसने रुई और मतलब कि थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी तो सब ठीक था। हल्का हल्का खून, मैंने कहा तुरंत दिखा लेना, थोड़ा कहीं पे दवाई वगैरह ले लेना, कोई ट्यूब वगैरह देगा ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता वो यहाँ पे चलाया और इसने टांके लगा दिए उसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नया शर्मा आपसे लूंगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।